सुप्रीम कोर्ट ने FIA को इलेक्शन तक आसिफ अली जरदारी और फयाल तालपुर को शामिल तफ्तीश करने से रोक दिया। आसिफ जरदारी को तो हमने जाती हैसियत में तलब ही नहीं किया, किसी की साख और इज्जत नफ्स मुतासिर नहीं होने देंगे, सियासतदानों के तासुर को जायल करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क। इसहाक डार को वापस लाने के लिए फौरी इकदाम करने का हुक्म, बच्चों को तालीम और दवाइयां नहीं मिल रही, करप्शन के नासूर को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। MDPTV तकरारी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा ये नैप को भिजवाने का मुकदमा है, साबिक सेक्रेटरी खजाना पेश। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज शाम लंदन से रवाना होंगे या नहीं, फ्लाइट रडार के मुताबिक लंदन से अबुधाबी आने वाली फ्लाइट कैंसिल, इतिहाद एयरवेज के शेड्यूल तब्दील होने की तरदीद। बदमनी के खतरे के पेश नजर इंतजामिया की तैयारी मुकम्मल, लाहौर के दाखिल रास्तों को आज ही कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा, शहर में लीगी कारकुनान की पकड़ धकड़, दर्जनों गिरफ्तार हो गए। नून लीग का हंगामे इजाज तलब, शहबाज शरीफ 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ख्वाजा साद रफीक NA 125 में धांधली के इल्जामात से बरी, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलदम करार दे दिया, फैसले के खिलाफ ख्वाजा साद रफीक की अपील मंजूर। का अनोखा अंदाज, इंतखाबी मुहिम पर नान भाइयों के पास पहुंच गए, पहले रोटियां लगाएं फिर वोट मांगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बिलोर हाउस आमद, हारून बिलोर शहीद कहले खाना से इजहार ताजियत, निगरान वजीर आजम और कोर कमांडर पेशावर भी हमरा, सानहे का एक और जख्मी दम तोड़ गया, शहादतों की तादाद 22 हो गई। अमन अमान, बिजली, पानी, रोजगार, सेहत, जरात, सड़क या फिर कुछ और, आपकी नजर में मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? आप वोट तो देंगे मगर किस मसले के हल के लिए? 24 न्यूज को अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप करें। मुल्क भर में मॉनसून का सिलसिला शुरू, इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार, कराची में बूंदाबांदी का इम्कान,